सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है और एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज किस पर्टिकुलर वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारी HGL CS कप सीजन 9 आने वाली है, उसके अंदर क्या रूल्स होंगे, क्या एंट्री फीस होंगी, क्या प्राइस पूल होगी, क्या ज्यादा होगा एंट्री फीस या फिर कम रहने वाला, किन किन टीमों को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी क्या क्या देखने के लिए मिल सकती है और रजिस्टर कैसे किया जाए, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके आपसे बात किया जाए। तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने टॉक किया है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या सारी चीजें रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड उसके बाद जाके मेरे से मिलिएगा अगर आपको रजिस्टर करना है तो। सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। सो अगर हम हमारे पहले नंबर पॉइंट की बात करें तो वो होने वाला है कि हाउ टू रजिस्टर। तो भाई लोग आपको देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप एंड इंस्टा, मतलब दोनों प्लेटफॉर्म की आईडीज और नंबर दी गई है, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड अगर और भी ज्यादा निकट रहना चाहते हो मेरे से तो आप देखिए गाइस कमेंट सेक्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक पिन हुआ नजर आ रहा होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वो ग्रुप को आप मेरे बहुत ज्यादा क्लोज रह पाओगे। एंड साथ ही साथ अगर बात कर ले कि भाई उसके बाद क्या करना है, तो मैं सिंपली आपको एक QR दूंगा, जो फीस रहेगा आपको भेज देना है। एंड फीस क्या रहने वाला है भाई, वीडियो तो पूरा देखो पहले। तो अभी बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड नंबर पॉइंट की तरफ, जो होने वाला है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे रूल्स रहने वाले हैं जैसे कि स्किल यस, गन प्रॉपर्टी नो, ग्रेनेड नो, नो अब्यूज। देखिए गाइस अब्यूज तो सबसे मेन पॉइंट है, अगर आपने कर दिया तो आप फाइनल में हो या आप जहां पे भी हो आपको सीधा लात मार के भगा दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली अपना और एक रूल लिमिटेड एमओ, यस जी हाँ, लिमिटेड एमओ का टूर्नामेंट है तो ऑब्वियस सा बात है लिमिटेड एमओ रहेगा। तो ये था हमारा रूल्स। बट सबसे पहली बात आती है, क्या आप सिर्फ प्राइस पोल जीत पाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम, क्या सिर्फ प्राइस पोल जीत पाओगे और कुछ नहीं जीत पाओगे क्या? जी हाँ बिल्कुल जीत पाओगे, वो है नाम। नाम कमा के जा पाओगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात, सारे गेम प्ले लाइव पे होंगे, वो भी हमारे 6 बजे वाली स्ट्रीम। अभी भी एक टूर्नामेंट चल रहा है, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो उधर पे जाके देख सकते हो, आपकी टीम रिप्रेजेंट होगी लाइव पे। एंड आपका इनकम सोर्स तो ऑब्वियसली खुलेगा, प्राइस पोल अगर है। एंड आज इस वाली टूर्नामेंट के अंदर मैंने और एक चीज को ऐड करके रखा है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा यूनिक लगने वाला है। मतलब वो सब बीआर में ही ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, बट इस बार मैंने सीएस में ऐड किया। तो ऑब्वियसली गाइस वीडियो को पूरा देखो, वो वाली चीज गेन करना जरूर से। सो इसके बाद बात करते हैं गाइस हमारे स्टेजेस एंड स्लॉट के बारे में। तो स्लॉट होने वाले कुछ 32 एंड भरने में तो टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, बट अभी सुनिए कि भाई मैं 32 से ज्यादा स्लॉट आप लोगों को क्यों नहीं दे सकता, लाइक 33 34। तो ये कुछ डिवाइडेबल होना चाहिए, समझ रहे हो। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दो टाइप्स के क्वालिफायर्स होते हैं, नॉकआउट स्टेज 1, नॉकआउट स्टेज 2। तो ये नॉकआउट स्टेज 1 में देखिए 32 टीमें खेलेगी, सबको एक मौका मिलेगा, डू और डाई, करो या तो मरो। किया हुआ तो बढ़िया बात है, आप जाओगे नॉकआउट स्टेज 2 के अंदर। अगर हारे तो भाई गए पत्ता सा, 32 टीमें आई, 16 टीमें गई, 16 टीमें एंटर की नॉकआउट स्टेज 2 के अंदर। और नॉकआउट स्टेज 2 के अंदर आपकी 16 टीम रहेगी, 16 टीम में एक एक मैच का फिर से मौका दिया जाएगा, नहीं खेल पाया तो गोल। एंड फिर 16 की 8 टीमें गोल हो जाएगी, 8 टीमें आएगी क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। फिर क्वार्टर फाइनल में कुछ ऐसा होने वाला है, वो भी नॉकआउट रहेगा। 8 टीमें हैं, उनमें से 4 टीमें का पत्ता कटेगा एंड 4 टीमें आ जाएगी सेमीफाइनल्स के अंदर, जहां पे आपको बेस्ट ऑफ 3 खेलने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने स्ट्रगल किया तो ऑफकोर्स बेस्ट ऑफ 3 तो खेलना बनता है मेरी जान। तो बेस्ट ऑफ 3 खेलोगे, उसमें से अगर जीते तो आप जाओगे सीधा ग्रैंड फाइनल में, जिसके अंदर आपको खेलने का मौका मिलता है बेस्ट ऑफ 5। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। मान लो 5-5, 6-6 स्टेजेस है गाइस हमारे टूर्नामेंट के अंदर, आपको क्रॉस करना पड़ेगा इस सबको। तो हमने समझ लिया स्टेजेस कैसे कैसे रहने वाले। अभी हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन डेट एंड स्टार्टिंग डेट, कब से कब तक रहने वाली है ये वाले टूर्नामेंट की। तो हर टूर्नामेंट की तरह इस टूर्नामेंट में भी 32 स्लॉट रहने वाले हैं, जिसको पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स इस बार तो एंट्री फीस थोड़ी सी बढ़ाई है गाइस, जस्ट थोड़ी सी, तो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा। बट ऑफ कोर्स जितना टाइम मैं हमेशा लेता हूं, इस वाले टूर्नामेंट में भी उतना ही टाइम लिया जाएगा। एंड ये सब निकल के आती है कि रजिस्ट्रेशन डेट 1 जनवरी तक रहेगी, मतलब 1 जनवरी न्यू ईयर तक, एंड 2 जनवरी को ये टूर्नामेंट की स्टार्टिंग कर दी जाएगी। तो भाई लोग रुकेगा मत, आपको जहां पे भी मेरा नंबर दिखे फटाफट से मेरे को मैसेज कीजिए एंड स्लॉट को बाय कर लीजिए, बिकॉज 32 स्लॉट होने के बाद भी बहुत लोग स्लॉट परचेज करने के लिए आते रहते हैं। तो इसके बाद हम लोग सीधा बात करेंगे प्राइस पोल, एंट्री फीस एंड रिवॉर्ड्स के रिगार्डिंग बात करने वाले। तो अभी आप लोग बोलोगे भाई रे रिवॉर्ड्स क्या होता है, तो भाई वीडियो को देखो पता खुद चल जाएगा। तो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो एंट्री फीस के बारे में जानने के लिए, तो ऑफ कोर्स अभी आपका जो है इतना देर का पेशेंस काम आने वाला है। तो हमारा एंट्री फीस रहने वाला है 60 रुपीज, पिछले टूर्नामेंट में 55 था ऑफ कोर्स,
बट इस टूर्नामेंट में 5 रुपया बढ़ा दिया जाएगा जिससे कि प्राइस पूल भी थोड़ा अपग्रेड कर पाए, इम्प्रूव कर तो पाए। अभी बात कर लेते हैं कितना ज्यादा प्राइस पूल रहने वाला है इस एंट्री फीस के अंदर। तो भाई लोग इस टूर्नामेंट का प्राइस पूल रहेगा 1600 रुपया जो कि 60 रुपीज एंट्री फीस में बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो अभी बात कर लेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एंड साथ ही साथ रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे। तो पहले नंबर बंदा मतलब जो भी टीम फर्स्ट नंबर पे आएगी उसको मिलेगा 900 रुपया। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर टीम को मिलेगा 450, थर्ड नंबर टीम को मिलेगा 250 रुपया। तो भाई लोग 60 रुपया लगा के आप ये तीनों प्राइज एक्वायर कर पाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, एंड पहला वाला जीतोगे तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो आने वाले टूर्नामेंट में वो प्राइस पोल 2000 भी छूने वाला है, तो भाई लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एंड और एक बात बताना चाहूंगा, तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हम हमारे रिवॉर्ड के बारे में। तो रिवॉर्ड होने वाला है कुछ ऐसा, पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसने सबसे ज्यादा किल मार के रखे होंगे या फिर डैमेजेस मार के रखे होंगे, ओके, तो उसको दिया जाएगा बोनस पॉइंट, मतलब 20 रुपीज उसको दिया जाएगा। जी हाँ, 20 रुपया दिया जाएगा उसको ऐसे ही बोनस में, तो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। तो डैट इज वाई, तो भाई लोग रेडी हो जाइए, जीते जो भी सबसे ज्यादा किल मारेगा उसको मिलेगा ये 20 रुपीज का बोनस कोड। एंड देखिए, कम एंट्री फीस के अंदर आपको अगर इतना बड़ा प्राइस पूल चाहिए तो इसके अंदर आपको एक चीज पूरी करनी पड़ती है, वो होती है आप सारे के सारे टीम के बंदे अपने गिल्ड टोकन से रूम कार्ड को एक्सचेंज करके रखेगा। एंड ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि भाई कैसा मैनेजमेंट है, रूम भी हमको बनाना पड़ेगा। ऑफकोर्स मैं देखो, बाय करने में मेरे को कुछ नहीं है, कस्टम्स मैं बाय कर सकता हूँ, बट वहां पे एक एक्सेप्शन आते हैं कि भाई अगर मैं बाय करूंगा तो समझ रहे हो प्राइस पूल 400-500 रुपये आ जाएगा 60 रुपीज में। तो समझो भाई कितना कम मिलेगा आपकी टीम को। लेकिन देखिए, अगर आप रूम खुद ही से बना देंगे, वो भी रूम में आपको डायमंड थोड़ी लगाने, आपको सिर्फ और सिर्फ गिल्ड टोकन से एक्सचेंज करने, आपके 4 बंदे 8 बंदे जितनी भी टीम आएगी सबको बोलो स्टोर करके रखे 1-2 हफ्ते, और आसानी से आराम से टूर्नामेंट में आपकी टीम रूम्स बना लेगी एंड प्राइस पूल जीत के भी जाएगी। हट्टा कट्टा प्राइस पूल 1600 रुपया। तो भाई लोग सारी मैचेस लाइव पे होने वाले 6 बजे, एंड आज भी हो रहे होंगे, भाई लोग जाइए देखिए एंड मजे लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड लव यू ऑल। तो भाई लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सायोनारा।